बाई स्वामी विवेकानंद ऑल द पावर्स इन द यूनिवर्स आर ऑलरेडी आर्स। इट इज़ वी हु हैव पुट आवर हैंड्स बिफोर आर आईज एंड क्राई दैट इट इज डार्क तो यार सारी पावर्स जो है ना यूनिवर्स की सारी ताकत जो है वो हमारे अंदर ऑलरेडी है वी ऑलरेडी ह्यूमंस आर द मोस्ट आई वुड से मेराक्यूल क्रिएशन ऑफ द नेचर मतलब अच बिल्कुल अद्भुत कर देने वाली चीज हम ऑलरेडी है तो जितनी भी चीजें मतलब तो सोचो याद अमाउंट ऑफ पावर दैट वी हैव ये जो टेक्नोलॉजी हमें इतना अमेज करती है कहां से आई है अपने आप तो आ नहीं गई कोई लेकर आया कौन लेकर आया ह्यूमन सो जस्ट जस्ट ट्राई एंड एनालाइज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल दैट वी हैव मेंटली दैट वी हैव फिजिकली इमोशनली वी कैन गो थ्रू सो मैनी थिंग्स राइट तो वो सारी ताकत हमारे अंदर है हम बस उसे रियलाइज नहीं करते वी आर नॉट जस्ट जिंग इट वी आर नॉट जस्ट ट्राइंग टू फाइंड इट वी आर नॉट जस्ट रियलाइजिंग इट और बस रोते रहते हैं कि यार बहुत मेरी जिंदगी तो खराब हो गई जिंदगी बहुत अच्छी है यार अपने अंदर के पावर को रियलाइज करो एंड विद डेट ब्लेट्स गेट स्टार्ट विद टूडे से लास्ट सेशन में विच इज द सेकंड पार्ट ऑफ डेवलपमेंट आई हैव नॉट डिस्कसड आई डिट नॉट डिस्कस द लीडर बोर्ड बिकॉज इट वॉज नॉट रेडी टिल दैट सो आज हम दोनों ही डेवलपमेंट सेन एंड सेशन टू के लीडर बोर्ड के बारे में बात करेंगे

ठीक है तो पहले वाले सेशन के हमारे लीडर बोर्ड के विनर्स हैं विलास के रुतुजा पाठल एंड देवांशी क्या बात है बच्चे आप थोड़ा सेशन टू के भी लीडर बोर्ड का डिस्कशन कर ले तो ये होमवर्क क्वेश्चन पूछी गई थी कि एशिया स्टैंड फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स दैट फोकस इज ऑन वॉट किस चीज पे फोकस करती है ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी ग्रोथ एनरोलमेंट रेशियो फॉर थ्री लेवल्स ऑफ स्कूलिंग नेशनल इनकम और ऑल ऑफ दी अब एंड द करेक्ट आंसर इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सब कुछ अकाउंट में लेती है

डेवलपमेंट अब इसके हमारे लीडर बोर्ड के विनर्स हैं रिधि जयसवाल विलास के एंड आई थिंक इट्स अनुरित अनुरित अनुरीत राइट

सब्सक्राइब नहीं किया होगा या तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो भाई सब्सक्राइब करने से क्या होता है? आपको आती है, तो जब भी आप देखते हो, -फट जब चल है, पहले आंसर करने वाले लोगों का आता है जो सही आंसर करते हैं तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी आप सेशन टाइम पे नहीं देखोगे और मिस कर दोगे दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है कमेंट सेक्शन में नहीं दिया होगा बच्चों जब भी जवाब दो मेक श्योर टू पुट इट इन द कॉमेंट सेक्शन वहीं से लीडर बोर्ड के विनर्स आते हैं अब हम बात करते हैं आज के सेशन की शुरू करते हैं डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स करें किस चीज की डेवलपमेंट की नाम ही चैप्टर का क्या है डेवलपमेंट इससे पहले की डेवलपमेंट समझे exactly क्या होता है मैं आपको एक सिंपल सी चीज बोल देना चाहती हूँ कि डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मीनिंग लाती है क्योंकि चलो पहले देखते हैं डेवलपमेंट क्या होता है बच्चे व्हाट इज डेवलपमेंट डेवलपमेंट सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता दू होता है ग्रोथ होता है प्रोग्रेस जो मैंने आपको पहले भी बताया है रेगुलर सेशंस में उमंग सेशंस में अगर आपने नहीं देखे तो देख लो जाकर के बचा बेसिकली मींस कि आप जहां भी हैं वहां से मूविंग फॉरवर्ड फॉर बेटर मूविंग अहेड और फॉरवर्ड फॉर बेटर ये होती है डेवलपमेंट कि जहां है उससे हम आगे बढ़े ठीक है अब वो किसी भी रिस्पेक्ट में हो सकती है और बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं इसके बहुत सारे होते हैं डेवलपमेंट इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि एक इंसान के लिए एक ही मतलब हर इंसान के लिए एक ही मतलब इस वजह से नहीं होता है तो डेवलपमेंट इज वेन वी आर बेसिकली मूविंग फॉरवर्ड वेन वी आर थिंकिंग ऑफ द थिंग्स जो हमें जहां पर हमें उससे हमें आगे ले जाएगी उसको कहते हैं डेवलपमेंट इट कुड बी इंप्रूवमेंट इन इनकम जो हमारे पैसे कमा रहे हैं उससे जब हमें बेटर अब मेरी सैलरी अगर दस आज है मुझे बीस रुपए मिलेंगे तो मेरी डेवलपमेंट हुई राइट उसकी वजह से मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगी uh, अगर आई वॉज एबल टू बाई गुड फूड टिल नाउ नाउ आई विल ऑल्सो बाई गुड क्लोथ्स तो मेरी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होगी मेरी पावर्टी के लेवल में रिडक्शन आएगी आई विल बी एबल टू अफोर्ड गुड एडुकेशन तो डेवलपमेंट क्या होती है ओवरऑल ग्रोथ प्रोग्रेस जहां भी आप हैं वहां से आगे बढ़ना लेकिन डेवलपमेंट डिसाइड करना ना ये इजी टास्क नहीं है तो डिसाइड कि डेवलपमेंट एग्जैक्टली exactly क्या होता है इज एक्चुअली वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स अब ये प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है बच्चे ये प्रोसेस इतना कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स ऑफ डेवलपमेंट अब ऐसा कैसे हो सकता है एक बंदा के लिए डेवलपमेंट कुछ और है, एक बंदा के लिए डेवलपमेंट और कुछ कैसे हो सकती है बच्चा डेवलपमेंट अगर मैंने आपको सिंपल वर्ड्स में समझाया तो मैंने आपको बोला राइट ग्रोथ एंड प्रोग्रेस मूविंग अहेड फ्रॉम वेयर यू आर अब हो सकता है यहां पर जो इंसान है उसको यहां से आगे बढ़ने के लिए चाहिए हो एडुकेशन वहीं पर हो सकता है कि एक दूसरा बंदा हो उसे चाहिए हो इक्वालिटी एक तीसरा बंदा हो जिसकी हेल्थ में इश्यू हो अगर उसकी हेल्थ अच्छी हो जाए तो वो आगे बढ़ पाएगा एक चौथा बंदा हो जिसके पास पैसे नहीं है अगर उसकी इनकम अच्छी हो जाए तो वो वहां से आगे पढ़ पाएगा एक्सेट्रा यानी कि वट एवर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर पीपल इन दैट मोमेंट एज देयर एस्पिरीशंस जो भी उनकी डिजायर्स है वो हर एक मोमेंट में लोगों की हो सकती हैं अलग तो जो भी लोगों की देख रहे हो आप डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल हम सिंपल कह रहे हैं कि अलग अलग लोगों के अलग अलग परसेप्शन हो सकते हैं अलग अलग परसपेक्टिव हो सकते हैं अलग अलग रिक्वायरमेंट्स सकती हैं राइट डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स और ये रिक्वायरमेंट्स जो वेरी करती हैं यही डिफाइन करती हैं कि कैसे डेवलपमेंट के गोल्स लोगों के अलग अलग होंगे अब बच्चे ये आपके नेशनल लेवल पे हो सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे भी हो सकते हैं एक सिंगल बंदे का भी गोल अलग होता है और नेशनल लेवल पे भी गोल अलग होता है अब हम आप समझते हैं देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग गोल्स होते हैं हाउ कैन डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स फॉर डेवलपमेंट अगर आप लैंडलेस लेबर की बात करते हो बच्चा इसके पास अपनी जमीन नहीं है अपनी की अपनी कोई कमाई नहीं है ये कंप्लीटली किस चीज पर डिपेंड करता है ये अपने डेली जॉब पे डिपेंड करेगा ठीक तो है या इन जनरल खासी कमाई कर लेता है उसके लिए डेवलपमेंट क्या है जो भी लैंडलेस लेबर के डेवलपमेंट गोल्स बिल्कुल अलग है उसको रोज के लिए जॉब नहीं चाहिए उसकी रोज की कमाई मैटर नहीं करती है वो उसकी ठीक ठाक हो जाती है उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपनी फैमिली को सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सके उसके लिए ज़रूरी है कि उसको क्रॉप्स के बदले जो प्राइसेस मिल रहे हैं वो अच्छी मिल सके उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल भेज सके प्रॉबली अच्छी एडुकेशन दे सके और अब्रॉड भेज सके तो यहाँ देखो यहाँ शायद इंपॉर्टेंट था कि सिर्फ खाना भी मिल जाए खाने के लिए ढंग से और रहने के लिए एक अच्छा घर मिल जाए वही बहुत है यहाँ पे आस्परेशन बिल्कुल अलग है कि भाई हम अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके हम अपनी फैमिली को अच्छी एडुकेशन दे सके अपने बच्चों को हमारी क्रॉप्स की प्राइसेस अच्छी आ जाए यहाँ तो ही नहीं है आप देखो उन की बात करें जिनके पास अपनी यू uh, नो you know, अच्छी जमीन है अच्छी खेती हो रही है लेकिन उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है और वो डिपेंड करते हैं नेचर पे तो उनकी एस्पिरेशन क्या होगी उनकी एस्पिरेशन होगी एक तो कि क्लाइमेट प्रॉपर है ठीक है जो जहाँ वो नेचर से विश करें कि वो अच्छे से रहे दूसरी चीज़ उनके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी आ जाए दे गेट प्रॉपर टेक्नोलॉजी सो दैट दे आर एबल टू गेट इरिगेशन सर्विसेज यू नो इरिगेशन सिस्टम प्रॉपर्ली फैसिलिटीज इन देयर फील्ड्स ताकि बारिश नहीं भी आए तो कोई प्रॉब्लम ना हो यानी कि एंड सो एंड सो फोर्थ राइट अर्बन एम्प्लॉयड यूथ के लिए ज़रूरी है कि उसकी एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी हो उसकी सैलरी अच्छी हो वेर एज अ गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली मे वॉन्ट कि उसके पास पैसे हैं उसको एडुकेशन भी मिल रहा है लेकिन उसको चाहिए हो कि उसको फ्रीडम भी मिले अपने भाई जैसी उसको इक्वालिटी भी मिले अपने भाई जैसी उसको बिल्कुल वैसी रिस्पेक्ट मिले अपने भाई जैसी जो कि बंदे को मिलती है जो बंदियों को नहीं मिलती लड़के को मिलती है बिकॉज ऑफ पेट्रियार्कल सोसाइटी बट लड़की को नहीं मिलती है गर्ल्स आर नॉट ऑलवेज टेकन टू बी वेरी यू नो ऑफ स्प्रिंग इन सोसाइटी बाई ऑफ टाइम्स कई बार ऐसा होता है तो हमने क्या देखा एवरी वन हैज डिफरेंट आइडिया हम क्या देख रहे हैं एवरी वन हैज डिफरेंट आइडिया हर एक बंदे का आइडिया ऑफ डेवलपमेंट इज डिफरेंट और अब हम समझ चुके हैं क्यों हर एक बंदे का इंसान का डिफरेंट डिफरेंट आइडिया है वाई बिकॉज जो भी बच्चे उनके करेंट सिनारियों में उनको मदद करेगा टू कम आउट ऑफ देर करंट सिचुएशन एंड गो अहेड गो फॉरवर्ड विल बी देयर गोल ऑफ डेवलपमेंट अगर ये लैंडलेस लेबर है इसको ज़मीन मिल जाए इसको बेटर वेजेस मिल जाए ये इसको इसके करेंट सिनारियों से बेटर में ले जाएगा रोज का मतलब तीनों टाइम का शॉर्ट फूड हो घर के सर पर छत हो ये इसके लिए डेवलपमेंट है बट प्रोस्परस फार्मर के लिए ही नहीं उसके पास छत खाना ये सिक्योरिटी पहले से सेविंग पहले से उसको चाहिए कि उसका बिजनेस वैसे ही अच्छा चलता रहे उसको बेटर दाम मिलते रहे क्रॉप्स के उसको चाहिए कि फैमिली की इनकम बढ़ जाए overall. तो आप ये सब देख रहे हो तो इस वजह से क्या होता है कि डेवलपमेंट के गोल्स अलग अलग होते हैं तो हमने क्या समझा वी हैव अंडरस्टूड दैट डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स ऑफ डेवलपमेंट इसके साथ एक और चीज हमें देखनी देखो यहां पे जब हमने अलग अलग चीजें देखी मान लो ये प्रॉस्परस फार्मर जो है ये एक लैंड लेबर को करता है एम्प्लॉय ये एक बंदे को एम्प्लॉय करता है उसको एम्प्लॉयमेंट देता है अब क्या यहां पे होगा आप इसे चाहिए होगा कि कम से कम दिनों में काम हो जाए कम से कम पैसों में काम हो जाए क्यों क्योंकि उसको अपनी प्रॉफिट बनानी है बट इज दिस रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रॉस्परस फार्मर इन सिंक विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द लैंडलेस लेबर बिल्कुल भी नहीं लैंडलेस लेबरर को चाहिए ज्यादा पैसे मिले ज्यादा दिन तक एम्प्लॉयमेंट मिले बट प्रॉस्परस फार्मर को अपने फायदे के लिए ऐसा नहीं चाहिए उसी तरह से अगर हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड जहां पे आस पास पानी है आप वहां पर इंडस्ट्रियलिस्ट चाहते हैं फॉर बेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वहां पे एक डैम कंस्ट्रक्ट हो जाए ताकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वाला प्रोसेस यूज करके वी कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी लेकिन इसकी वजह से जो भी ट्राइबल्स वहां पे है चाहे वो वहां पे खेती कर रहे हैं चाहे वो उनका घर है नो मैटर वॉट इट इज दैट लैंड इंटायरली विल हैव हैव टू टू बी बी पीपल ऑन दैट लैंड विल क्योंकि वो पूरा सबमर्ज हो जाएगा पानी में जब डैम्स वहां कंस्ट्रक्ट होंगे तो so, ट्राइबल्स को इसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है बट इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए और इनफैक्ट फॉर दी अलॉट ऑफ अदर पीपल हुआ रिसीव दिस इलेक्ट्रिसिटी इवन द ट्राइबल्स इन दैट एस्पेक्ट इज गोइंग टू बी अ डेवलपमेंट वहां पर डेवलपमेंट हो रही है बट यहां पर इनके साथ प्रॉब्लम हो जा रही है क्योंकि इनके गोल्स जो है, इनको बहुत परेशानी हो रही है इनकी जमीन छूट जाएगी इनकी खेती जहां होती है वो छूट जाएगी इनको रीलोकेट uh, होना पड़ेगा सेम चीज़ उन्हें बदले में में नहीं मिलेगी तो इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हमें ये समझ आ रहा है कि एक बंदे का गोल दूसरे बंदे के गोल से डिफरेंट भी हो सकता है और अपोजिट इन नेचर इन नेचर, नेचर भी हो सकता है यानी कि मैच ना करे और इनफैक्ट प्रॉब्लम भी क्रिएट करे एक बंदे का गोल दूसरे बंदे के लिए डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है सो वी ऑल्सो अंडरस्टैंड that development for one person for one person may not be may not be development for other person as well which means that different people न हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग इज द की वर्ड ओवर योर गाइज कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स ऑफ डेवलपमेंट यानी कि अलग होने के साथ साथ कॉन्फ्लिक्टिंग भी नेचर में हो सकते हैं अब अब ये गोल्स हैं क्या वॉट आर दीज गोल्स उस टेबल में हमने देखा कि जो वेज वर्कर था उसको चाहिए कि कॉन्स्टेंट uh, एम्प्लॉयमेंट मिले कॉन्स्टेंट एम्प्लॉयमेंट क्यों फॉर कॉन्स्टेंट पेमेंट राइट उसके साथ जो फार्मर था उसको हमने देखा था कि चाहिए कि क्रॉप्स की प्राइस बेटर मिले क्रॉप प्राइस हाई हो जो अर्बन यूथ था उसको हमने देखा कि चाहिए थी एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी हो क्यों? फॉर अगेन स्टेबल इनकम अल्टीमेटली हम क्या देख रहे हैं लोगों के लिए प्राइमरी फोकस क्या है ये सारे सारे एग्जांपल्स देखोगे जब आप कुछ लोगों को चाहिए कि बेटर यू नो लिविंग फैसिलिटीज हो जाए कुछ लोगों को चाहिए कि बेटर एडुकेशन मिल जाए इन सब के लिए क्या चाहिए इन सब के लिए चाहिए एक ही चीज वो है पैसे यानी कि अल्टीमेटली इन शॉर्ट वी कैन से दैट पीपल इन जनरल हैवल फॉर डेवलपमेंट विच इज नथिंग एल्स बट इनकम यानि कि द मनी दैट दे आर अर्निंग जो पैसे उनको गुड्स एंड सर्विसेस प्रोवाइड करने के लिए इन शॉर्ट मिल रहे हैं उसे इनकम हम कहते हैं तो इन शॉर्ट डेवलपमेंट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल मीन्स इनकम लेकिन लेकिन हमेशा जरूरी नहीं है समाइम्स पीपल ऑल्सो वॉन्ट स्टफ लाइक रिस्पेक्ट और दे वांट इक्वालिटी जैसे कि जैसे कि वो जो अर्बन गर्ल थी ठीक है दैट अर्बन गर्ल वॉन्टेड फ्रीडम शी वांटेड इक्वालिटी उसके भाई को प्रॉपर एजुकेशन फ्रीडम इक्वालिटी सब कुछ मिल रही है तो उसको चाहिए था कि अगर वो घर का काम कर रही है तो भाई भी घर का काम करे तो एक तो इनका जो गोल्स है वो कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाएगा भाई को नहीं चाहिए होगा कि वो ये सब करे राइट बट मोर देन दैट वी ऑल्सो सी दैट शी नीड्स रिस्पेक्ट इक्वल रिस्पेक्ट इन दोसाइटी शी नीड्स फ्रीडम शी नीड्स इक्वालिटी तो ये सब उसके गोल्स हैं देखो उसके पास एडुकेशन है उसके पास पैसे हैं वो सब कुछ है इनकम से उसे फर्क नहीं पड़ता है उसके लिए जरूरी क्या है उसके लिए जरूरी है कि उसको रिस्पेक्ट मिले उसको इक्वालिटी मिले एंड इन फैक्ट गाइस समटाइम्स दीज गोल्स कुड बी मोर इंपॉर्टेंट कुड बी मोर इम्पॉर्टेंट दैन इनकम और दैन द मॉनिटरी गोल्स क्योंकि ये काफी नहीं होता है एक अच्छी क्वालिटी की जिंदगी जीने के लिए सिर्फ पैसे काफी नहीं होते अब मटेरियलिस्टिक गोल्स क्या होते हैं बच्चे मटेरियलिस्टिक गोल्स आर बेसिकली स्टफ विच कैन बी बॉट विच कैन बी बॉट बाय मनी ठीक है जैसे कि ये फूड हाउस राइट कार एट्सेट्रा जो लग्जरीज ऑफ लाइफ होती है मटरिस्टिक गुड्स आर इंपॉर्टेंट इट्स नो नो बडी कैन से ये जरूरी नहीं है टू मीट द बेसिक नीड्स टू मीट द बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ बेसिक ऑफ लाइफ लेकिन क्या सिर्फ ये जरूरी है बिल्कुल भी नहीं इसके अलावा और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जैसे कि जैसे कि हम सिंपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ हम हमेशा कहते हैं कि फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है राइट इट्स इंपॉर्टेंट टू बी हेल्दी बट व्हेन यू से इट्स इंपॉर्टेंट टू बी हेल्दी क्या हम मेंटल हेल्थ के बारे में भी सोच रहे हैं नो वाई बिकॉज पीपल हैव बीन इग्नोरेंट टूवर्ड्स मेंटल हेल्थ वेयर एज फॉर द वेल बींग ऑफ अ पर्सन अलॉन्ग विथ फिजिकल हेल्थ वन थिंग ऑल्सो विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज द मेंटल हेल्थ ओनली देन दे विल बी अ बैलेंस्ड यू नो डेवलप

ियलिस्टिक द इमेटर गुड एंड इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ लाइफ सो ये हो जाती है हमारी नॉन मैटरियलिस्टिक गोल्स विच के नॉट बी बॉट बाई मनी और इसी वजह से फॉर अ प्रॉपर डेवलपमेंट एक प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए लोगों को क्या चाहिए होती है अलॉन्ग विदेरियलिस्टिक गोल्स उनको चाहिए होती है ऑल्सो नॉन मेट्यलिस्टिक गोल्स हैंस वी हैव मिक्सड गोल्स फॉर डेवलपमेंट मिक्सड गोल्स फॉर डेवलपमेंट तो हमें चाहिए होती है डेवलपमेंट के लिए मिक्स्ड गोल्स पैसे से खरीदी हुई चीजें भी चाहिए होती है और कई बार नहीं भी चाहिए होती है फॉर फ्यू पीपल एज आई टोल्ड यू कि कई बार ये रिस्पेक्ट और ये सही चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है मोर देन मोर इनकम तो ये हो गई इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पे बात अब हम बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट की बच्चे देखो नेशनल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ नेशन टू इंप्रूव द लाइफ ऑफ सिटीजन आखिर नेशन क्या है वॉट इज नेशन नेशन इज वॉट नेशन इज नथिंग बट इट्स सिटीजन जब सिटीजन इकट्ठे कहीं पे रह रहे हैं तभी तो एक नेशन फॉर्म हो रहा है वरना तो नेशन एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो जैसे हमने ये देखा कि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं फॉर ग्रोथ फॉर पर्सनल ग्रोथ किसी के लिए एडुकेशन किसी के लिए हेल्थ किसी के लिए मनी किसी के लिए फ्रीडम किसी के लिए इक्वालिटी हर एक बंदे का अलग अलग एस्पिरेशन होता है वैसे ही नेशनल डेवलपमेंट के भी होते हैं अलग अलग एस्पेक्ट्स सिमिलरली फॉर

Different desires and different dimensions and different expectations and you know aspirations for development. So, just like individuals, just like individuals, development can mean different for different. नेशंस तो जैसे इंडिविजुअल्स के लिए अलग होता है वैसे ही नेशंस के लिए भी अलग अलग हो सकता है बट इसको कंपेयर कैसे करेंगे नाउ बच इफ़ यू रिमेंबर इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू डिसाइड अ पर्टिकुलर क्राइटेरिया फॉर अ इंडिविजुअल एक इंडिविजुअल के लिए कह पाना कि सुनो यार ये बच्चा जो है ये पढ़ाई में बहुत अच्छा है तो ये बेस्ट बच्चा है ये बच्चा जो है ये बहुत हेल्दी है तो ये बेस्ट बच्चा है ये बच्चा सबसे वेल बिहेव सबसे सुफिस्टिकेटेड सबसे यू नो एम्पेथेटिक्स एम्पेथेटिक्स सबसे अच्छा है वेरी गुड इन नेचर तो ये बच्चा सबसे अच्छा है किसी भी जगह पे, किसी भी एस्पेक्ट में एक बंदे को बेस्ट डिफाइन कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है इसीलिए हमें चाहिए होते हैं इंडिकेटर्स हैंस वी नीड वॉट वी नीड इंडिकेटर्स टू डिफाइन दिस लेकिन ये इंडिकेटर्स किस बेसिस पे डिसाइड करेंगे हम हाउ डू वी डिसाइड कि ये इंडिकेटर्स क्या होंगे देखो यार इंडिविजुअल बेसिस पे भी जब हम डिटरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कोई सबसे अच्छा है हमें देखना होगा कि किस कॉन्टेक्स्ट में करते हैं कॉन्टेक्स्ट हमें दिमाग में रखना बहुत जरूरी है फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्पोर्ट्स के लिए कर रहे हो तो आप देखोगे कौन सबसे हेल्दी और जिस किसकी स्टेमिना सबसे अच्छी है अगर आप यू नो रिजल्ट के लिए कर रहे हो तो आप देखोगे कि कौन सा बच्चा सबसे ज्यादा इंटेलेक्चुअली स्मार्ट है अगर आप किसी सोशल चीज के लिए कर रहे हो तो आप देखोगे कि किस बच्चे में सबसे ज्यादा किसका नेचर सबसे अच्छा है हु इज द वेल मोस्ट वेल भी है

राइट तो ओवरऑल कंपैरिजन हमें यहाँ भी करना है फॉर डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट स्टेट्स ठीक है लेकिन हमें समझ आ गया है कि जैसे अलग अलग नेशंस के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को अलग अलग इंडिविजुअल के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्सट हम लेते हैं वैसे ही एक चीज पर डिसाइड कर पाना फॉर नेशन गेट्स डिफिकल्ट इट गेट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट बट वी हैव कम अप विथ एन इंडिकेटर हमने नेशन के लिए भी एक इंडिकेटर डिसाइड किया है वो क्या है उसका इनकम अब अब इनकम क्यों? क्यों को ही वाई आर वी नॉट टेकिंग एनीथिंग एज यू नो द इंडिकेटर फॉर द डेवलपमेंट टू टू चेक द डेवलपमेंट ऑफ एनी नेशन बट द रीजन इज बिकॉज इनकम इज वॉट गिव्स यू परचेजिंग पावर अब परचेजिंग पावर क्या होती है Purchasing power is basically the power that you have to buy anything, buy anything and everything you need. एक सिंपल सी लॉजिक देती हूं मैं आपको एक सिंपल सी बात समझने की कोशिश की गई है यहां पे नेशनल इनकम का मतलब ये होता है कि टोटल इनकम ऑफ पीपल हु आर अर्निंग जितने भी लोग टोटल टोटल पैसे अर्न कर रहे हैं उसको हम नेशन की इनकम मानते हैं बट इसको हम इंडिकेटर कैसे मान सकते हैं इसको सिर्फ इंडिकेटर मांगना बहुत डिफिकल्ट हो सकता है बिल्कुल हो सकता है लेकिन क्यों हम इसको इंडिकेटर मान रहे क्योंकि बच्चा इनकम इन इट सेल्फ इज अ गोल फॉर डेवलपमेंट आपको याद होगा हमने इंडिविजुअल्स की बात की थी इनकम इन इट्सेल्फ इज अ गोल फॉर डेवलपमेंट तो इनकम खुद में ही यार एक इंडिकेटर तो है ही डेवलपमेंट का गोल भी है तो इससे अच्छा इंडिकेटर यहां पे फिर हम कैसे कह सकते हैं कि कैसे होगा और क्या होगा जब इनकम खुद एक गोल भी है लो एवरी वन इज फॉर अ बेटर इनकम तो इसको ही इंडिकेटर ले लेते ले, लेते हैं ले ले कि कितने पैसे कमाए दूसरी चीज परचेजिंग पावर से रिलेटेड है बच्चे जो भी कंट्री में जो भी कंट्री रिच है या वो कौन सी कंट्री रिच है जिसमें सिटीजन की इनकम ज्यादा है जो भी कंट्री रिच है उसको ही हम बेटर मानते हैं उसको ज्यादा डेवलप्ड मानते हैं क्यों क्योंकि हम ऐसा कहते हैं कि कंट्री तो सिटीजन से बनती है, correct country, citizens से बनती है, है से और पे हम कमाई उनकी ले रहे we are taking their income into consideration. तो यार अगर इनकी पावर ज्यादा होगी यानी कि इनको जिस भी चीज की जरूरत है अपनी बेसिक चीजों को ये कर लेंगे ये उनकी परचेजिंग पावर होती है तो वी हैव टू रिमेंबर कि जितने सिटीजन्स के पास जितने ज्यादा पैसे होंगे वो कंट्री उतनी ज्यादा डेवलप्ड कंसिडर की जाएगी और ऐसा होता है कैसे क्योंकि हमें पता है कि उनके पास पावर है मनी गिव्स यू द पावर टू हैव अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ अ बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ठीक है इसीलिए हम लेते हैं इनकम लेकिन इनकम में वी डू नॉट टेक वी डू नॉट टेक वी डू नॉट टेक टोटल इनकम हम किसी भी कंट्री का टोटल इनकम नहीं लेते हैं क्यों क्योंकि बच्चे हर एक कंट्री की ना पॉपुलेशन जो है पॉपुलेशन वो वेरी करती है पॉपुलेशन वेरी करेगी ठीक है अब होता क्या है अगर मान लो किसी कंट्री में हजार बंदे और उसकी टोटल इनकम आपने ले ली एक्स रुपीज किसी कंट्री में दस हजार रुपए हैं उसकी टोटल इनकम भी हमने ले ली वाई रुपीज और किसी कंट्री में मान लो सिर्फ सौ लोग हैं और इसकी इनकम भी है एक्स रुपीज ठीक है तो इन दो ये दो जिसमें हजार लोग और सौ लोग हैं इन दोनों कंट्री की टोटल इनकम तो हजार हजार रुपए एक्स रुपीज है लेकिन इसमें दस हज़ार लोग हैं और यहाँ पे वाई रुपीज है अब हो क्या रहा है आपने पॉपुलेशन को मान लो ढक दिया इग्नोर कर दिया आप कह रहे हो एक्स और हम ऐसा मानते हैं कि एक्स इज ग्रेटर देन वाई तो हम बोलेंगे कि यार x और x ये कंट्री a, b और c तो a और b की कमाई x रुपीज़ है x ज़्यादा है तो ये दोनों कंट्रीज की ज्यादा इनकम है बट y की कम है तो y पीछे हो जाएगा तो चलो y तो वैसे भी पीछे हो जाएगा लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है यार कि पहली वाली कंट्री कंट्री a एंड c क्या इक्वल है नहीं है क्यों हमने टोटल टोटल अमाउंट लिया लेकिन यहां पे लोग कितने टेन टाइम्स का डिफरेंस है यानी कि पर per पर्सन जो मनी अवेलेबल है फॉर कंट्री ए एंड फॉर कंट्री सी इज वेरी वेरी डिफरेंट इसीलिए हम लेते हैं एवरेज इनकम ठीक है क्योंकि पॉपुलेशन हर एक कंट्री की अलग अलग होती है हम टोटल इनकम एज एन इंडिकेटर नहीं ले सकते हम ये देखते हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड बेटर कि कितने लोगों के लिए पर per पर्सन हमारे पास उस कंट्री में कितने पैसे अवेलेबल है वी टेक द एवरेज इनकम विच इज ऑल्सो नोन एज पर कैपिटल इनकम तो हम क्या करते हैं ये जो टोटल इनकम है इसको बाई हम टोटल पॉपुलेशन डिवाइड कर देते हैं तो पर per पर्सन हमारे पास हर एक बंदे के लिए जो अर्न नहीं कर रहा है उसके लिए भी कितने पैसे अवेलेबल है यह हमें पता जाता है अब इसका मतलब आपको समझ आएगा एक छोटा सा टेबल देख करके जो मैं आपको समझाऊंगी ठीक है एक सिंपल तरीके से अगर मैं ये समझाना चाहूँ आपको तो मैं आपको सिंपली ये कह सकती हूं बच्चे कि मान लो मेरे पास मुझे मिलते हैं हजार रुपए ठीक है और मान लो आ, अनुभा मैम को मिलते हैं पाँच हजार रुपए और लेट से आ, हर्ष सर को मिलते हैं सात हजार रुपये ठीक है अब मुझे मिलते हैं हजार अनुभा मैम को पाँच और हर्ष सर को सात वैसे अगर हम टोटल इनकम देखें तो हम कहेंगे हर्ष सर सबसे ज्यादा डेवलप्ड होंगे हर्ष सर के पास सबसे ज्यादा इनकम है बट थिंग इज दट अंकना मैम इज अलोन अंकना मैम के पास और कोई नहीं है खर्चा उठाने के लिए तो अंकना मैम के पास हजार रुपए है एक बंदे पे खर्च करने के लिए अनुभा मैम के पास पांच हजार रुपए है ठीक है बट शी हैज सेवन थाउजेंड रुपीज बट ही हैज एट पीपल टू टेक केयर ऑफ तो अब एवरेज इनकम क्या हो जाएगा एवरेज अगर आप निकालोगे तो आप इनफैक्ट देखोगे की शायद अनुभा मैम के पास सबसे ज्यादा है फिर अंकना मैम के पास है जो कि टोटल इनकम सिर्फ हजार थी और हर्ष सर जो कि एक नजर में देखने पे लग रहे थे सात हजार रुपए उनके पास उनके पास पर पर्सन बहुत कम हो जाएगा समझ रहे हो तो इसीलिए हम एवरेज लेते हैं क्योंकि अगर आप टोटल इनकम लोगे तो आपको सिर्फ ये समझ आएगा अच्छा इस फैमिली के पास हजार गए इसके पास आठ हजार गए इसके पास सात हजार गए ये आठ हजार वाला सबसे ज्यादा है बट इफ वी सी क्योंकि नॉन अर्निंग मेंबर्स भी तो है हमें देखना है कि पर पर्सन कितने लोगों के लिए कितने लोगों का खर्चा उठाना है इसलिए हम एग्रीगेट लेते हैं पूरे पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं और इस चीज को डिवाइड करने के बाद ठीक है हमारी जो रिपोर्ट आती है जैसे हम कहते हैं वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये रिपोर्ट कौन देता है बच्चों ये रिपोर्ट हमें मिलती है वर्ल्ड बैंक से तो वर्ल्ड बैंक जो हमें रिपोर्ट देती है इसके बेसिस पे हमने कंट्रीज को उनके पर कैपिटा एवरेज इनकम के हिसाब से तीन यू नो क्राइटेरियाज में डिवाइड किया है डेवलप्ड अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इन जनरल जो बच्चे डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको आप देखोगे कि रिच है और जो अंडर uh, डेवलप्ड है वो बहुत पुअर है और जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास जैसी बीच में लाई करती हैं ठीक है ठीके? तो कुछ कंट्रीज जो है जो रिच है एक्सेप्ट फॉर फ्यू कंट्रीज इन मिडिल ईस्ट और कुछ स्मॉल कंट्रीज की जगह उनको नॉर्मली हम डेवलप्ड ही कंसिडर करते हैं क्यों क्योंकि उनके सिटीजन की परचेजिंग पावर ज्यादा है आप ये किस किस बेसिस पे हमने क्या बार रखा है तो बच्चे जिन लोगों के पास यूएस डॉलर्स में ट्वेल्व थाउजेंड फिफ्टी सिक्स रुपीज आते हैं पर एनम एस पर टू थाउजेंड सेवेंटीन का रिपोर्ट यानी कि एवरेज इनकम पर कैपिटल इनकम एटलीस्ट इत इतनी है इस कंट्री को हम रिच या फिर डेवलप्ड मानते हैं जिन कंट्रीज के पास यूएस डॉलर नाइन हंड्रेड फिफ्टी फाइव से कम आता है उनको हम लो इनकम कंट्रीज यानी कि अंडर डेवलप्ड मानते हैं और जो कंट्रीज इन दोनों के बीच में यानी कि जो रेंज करती हैं आपकी 12,056 से 955 के बीच में ये आपकी मिडिल रेंज वाली कंट्रीज हो जाती हैं इनको हम डेवलपिंग कंट्रीज कहते हैं जैसे कि इंडिया तो इंडिया बिलोंग्स टू द लो मिडिल इनकम कंट्रीज ये मिडिल में बिलोंग करती है इसकी पर कैपिटल इनकम है यूएस डॉलर में पर एनम यानी कि से ऑलमोस्ट तो लेकिन ट्वेल्व थाउजेंड फिफ्टी सिक्स से काफी कम है तो हम बीच में लाइक करते हैं लेकिन इस एवरेज इनकम की एक बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है प्रॉब्लम है प्रॉब्लम यह है कि यह हाइड कर देता है द अनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ अन इन टर्म्स ऑफ इनकम देखो यार सबसे पहले तो बात यह है कि जब हम टोटल इनकम या एग्रीगेट पर कैपिटल इनकम कंसिडर करते हैं तो हम कंसिडर करते हैं सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर को जी हाँ हम सिर्फ ऑर्गेनाइज सेक्टर को कंसिडर करते हैं ये एक सबसे बड़ी चैलेंज है दूसरी चैलेंज ये है कि एवरेज में क्या होता है कि हो सकता है एक बंदा आपका कमा रहा हो दस रुपए दूसरा बंदा कमा रहा हो सौ रुपए और तीसरा बंदा कमा रहा हो हजार रुपए जब आप इन तीनों को एड करोगे तो आपके पास आएगा इतना अमाउंट कितना आता है थाउजेंड हंड्रेड हाँ ठीक है आपके पास वन थाउजेंड वन हंड्रेड एंड टेन रुपीज आ जाएगा अब आप, आप इसको थ्री से डिवाइड करोगे तो बच्चा आपका थ्री हंड्रेड समथिंग रुपीज आएगा थ्री फिफ्टी समथिंग थ्री सिक्सटी समथिंग ऐसा कुछ आएगा एक्चुअली थ्री थर्टी स... थ्री थर्टी कम्स फॉर थाउजेंड और मैंने इधर भी और डिवाइड किया हाँ यार थ्री फोर्टी रुपीज़ जैसा कुछ आएगा ठीक है थ्री हंड्रेड फोर्टी रुपीज़ तो थ्री फोर्टी पर पर्सन आ जा रहा है लेकिन आप देखो इस बंदी की कमाई सिर्फ दस है इस बंदी की कमाई सिर्फ हंड्रेड है बट इसकी तो थाउजेंड है तो इसकी कितनी ज़्यादा है पर एवरेज लेने पर क्या हो गया एवरेज लेने पर जो एवरेज आया है उससे बहुत नीचे भी कोई है और उससे बहुत ऊपर भी कोई है ये बंदा जो है ये तो सेवन हंड्रेड रुपीज़ ज़्यादा कमा रहा है एवरेज से तो एवरेज इस डिस्पैरिटी को इस इनइक्वालिटी को छिपा देता है ये हम इस दो एग्जाम्पल से ले सकते देखो ये कंट्री ए है यहाँ पे इसके पास सिटीजन वन uh, के पास 9500 सिटीजन टू के पास 10500 इसके पास 9800 एट हंड्रेड यहां पे दस हजार यहां पे दस हजार दो सौ रुपए यहां पे जब आप एवरेज निकालोगे तो समवेयर अराउंड टेन के आपका एवरेज आएगा ठीक है समवेयर अराउंड टेन थाउजेंड रुपीज एवरेज आएगा आप जब इस जगह की एवरेज निकालोगे तो शायद उतना ही आ जाए ठीक है शायद टेन के ही आपका एवरेज यहाँ पे भी आ जाए एक्चुअली दोनों ही जगह का टेन के एवरेज आएगा लेकिन प्रॉब्लम क्या है आप देखो यहाँ पे यहाँ पे इतने सारे लोग बिल्कुल पुअर हैं एंड द फिफ्थ सिटीजन इज एक्सट्रीमली रिच बट ओवर यर वी हैव एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कंट्री ए में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है यानी कि ना ही कोई बहुत ज्यादा अमीर है ना ही कोई बहुत ज्यादा गरीब है तो अगर आपको चॉइस दी जाए तो आप किस में रहोगे आप डेफिनेटली कंट्री ए में रहना चाहोगे या तो कंट्री बी में सिटीजन फिफ्थ फिफ्थ सिटीजन बनकर रहना चाहोगे बट हो सकता है नहीं भी हो ना तो इन जनरल आप कहां जाना चाहोगे कंट्री ए में जाना चाहोगे क्यों इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप देख रहे हो कितना ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा है यहां पर हमें देख करके लगेगा हम दोनों को हो सकता है एज अ डेवलप्ड कंट्री डिक्लेयर कर दे लेकिन प्रॉब्लम क्या है कंट्री बी में एवरेज भले उतना आ जाए बट पुअर पीपल बहुत ज्यादा है बट कंट्री ए में इन जनरल जितनी एवरेज है वैसे ही लोग हैं तो इससे हमें समझ आता है कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है उसमें है बहुत सारे फ्लॉज ठीक है क्या सबसे बड़ा फ्लॉज है हम यहाँ पे होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं देख पा रहे बच्चे आप जब स्कूल भी जाते हो तो आपके पेरेंट्स हमेशा कहते हैं कि सिर्फ पढ़ाई करके कुछ नहीं होता बच्चों आपके टीचर्स भी कहते होंगे कि होनी चाहिए होलिस्टिक डेवलपमेंट यानी कि आपकी इमोशनल सोशल फिजिकल मेंटल हर एक तरह से ग्रोथ होनी चाहिए तो वैसे ही यार एक कंट्री की भी तो होलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए बट जब आप सिर्फ इनकम देखते हो तो आप इस होलिस्टिक डेवलपमेंट वाली चीज को इग्नोर कर देते हो हम ये चीज़ नहीं देखते हैं कि सारे लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड कैसी है हम ये चीज नहीं देखते हैं कि सारे लोगों की हेल्थ कैसी है हम ये चीज नहीं देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल कैसी है ठीक है हम ये चीज नहीं देखते हैं कि ये इन्वायरमेंट को जो इनकी डेवलपमेंट हो रही है वो कितना सस्टेन करेगी एंड एटसेट्रा तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट टू बी कंसिडर इफ यू वांट रियली वांट टू कंसिडर होलिस्टिक डेवलपमेंट तो इस वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट में जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ इनकम को कंसिडर करते हैं इसकी प्रॉब्लम क्या है देखो प्रोस तो ये है कि ये हम लोगों को एक क्लियर इंडिकेटर दे देता है कंट्रीज को कंपेयर करने के लिए और एक प्रॉपर पैरामीटर मिल जाता है जिससे हमारी हेल्प और इजीनेस हो जाती है चीज़ों को

इनकम ऑफ एवरेज बट ये डिफाइन नहीं करता कि किस तरह से ये इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड है जो है कि हमने यहाँ पे देख लिया कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के बावजूद एवरेज जो है वो ऊपर देख सकता है तो यहां पे थोड़ा सा पॉज करते हैं और अब हम देखेंगे कि और क्या-क्या क्राइटेरियाज हो सकते हैं उसके पहले मैं बात कर लूं कि क्या आप गेन करना चाहते हो 100% नॉलेज एंड 100% मार्क्स तो वेदांतो प्रो सब्सक्रिप्शन इज द आंसर फॉर यू बच्चे मैं आपको एक सबसे इंटरेस्टिंग बात यह बता दूं कि अगर आप श्योर नहीं हो कि मैम हम पूरे साल का कैसे कमिटमेंट ले लें तो आपके पास एक महीने का ट्रायल पैक है नो इज आस्किंग यू टू टेक द कमिटमेंट फॉर एंटायर ईयर आप एक महीने का ट्रायल पैक लेके देखो एंजॉय ऑल द प्रोविजन एंड फैसिलिटीज एंड कॉन्टेंट प्रोवाइडेड बाई विदांत यू गेट द फुल टेस्ट ऑफ द एंटायर पैकेज दैट वी हैव टू ऑफर और उसके बाद डिसाइड कर लो वेदर यूट गो हैड और नॉट आपके पास दोनों प्रोविजन है एट द सेम टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है

हाई लेवल ऑफ एक्सपोजर विद दिस क्विजेस अब एक्सपोजर और भी मिलेगी कैसे एक्सपोजर मिलेगी और ज्यादा ऐसे बच्चों बिकॉज यू गेट टू कंपीट एंड लर्न एट द सेम टाइम विद द स्टूडेंट्स थ्रू आउट द वर्ल्ड आप पूरी दुनिया के स्टूडेंट के साथ कंपीट भी कर रहे हो ये देखो कोई यहां से है कोई यहां से कोई वहां से कोई ऑस्ट्रेलिया से है कोई इंडिया से है इंडिया में भी अलग अलग, अलग पार्ट से है कोई जेडा से है कोई कहीं बैठा है कोई कहीं बैठा है हर कोई अपनी अपनी जगह से कर रहा है लर्न साथ ही बच्चे आपको मिलती है इंटरक्टिव रीप्लेस विद लाइव क्विजेस एंड लीडर बोर्ड एक्जैक्टली यार देखो अगर सेशन मिस हो गया तो रिप्लेस तो सबके पास है बट सबके पास क्या होती है हमें यूट्यूब पे क्या मिलती है बोरिंग रिप्लेस अभी आप मेरा देखोगे रिप्ले तो आपको बोरिंग लगेगा क्योंकि आप मेरे साथ इंटर नहीं कर सकते बट ये प्रॉब्लम वेदांत तो सब्सक्रिप्शन के साथ नहीं होगी क्योंकि यहां पे इंटरएक्टिव सेशन जी हाँ बिल्कुल लाइव सेशन की तरह होती है लाइव क्विजेज यू कैन पार्टिसिपेट इन दैम एंड यू कैन ऑल्सो मेक योर प्लेस ऑन द लीडर बोर्ड जस्ट लाइक लाइव सेशन एट द सेम टाइम गाइड यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट कॉन्टेंट एनी यू कैन नाउ डाउनलोड एंड

साथ ही साथ क्लास में होंगी सारी की सारी डाउट्स रिजोल्व कैसे बच्चे यहां पे भी तो मास्टर टीचर्स आते हैं बट डाउट सारे रिजोल्व नहीं होते अब आपको लगता होगा क्यों क्योंकि यहां पे बच्चे इन होतेशन ऑफ दो सब्सक्रिप्शन यानी कि मास्टर टीचर्स के साथ क्लास टीचर्स भी होते हैं बच्चों के लिए जो कि डेडिकेटेडली आपकी डाउट्स को रिजोल्व करने के लिए वहां पर राउंड द क्लॉक कर रहे होते हैं काम एट द सेम टाइम गाइज यू हैव द क्यू एंड ए पैनल अब ये क्यू एंड ए पैनल क्या होता है ये होता है आपका डाउट्स पैनल बच्चों जी हाँ यानी कि अब आप जैसे यहां पे अभी YouTube में क्या हो रहा है लाइव चैट में अगर आप डाउट्स लिख भी रहे हो तो कई सारे बच्चे बहुत कुछ लिख रहे हैं कोई बर्थडे की बात कर रहा है कोई अब आपस में चिट चैट कर रहा है कोई कह रहा है कि चलो ना उस वाली जगह पे चलते हैं कोई बोल रहा है मेरा ये फ्री फायर अकाउंट आई डोंट नो वॉट दैट इज बट वो क्या, ये कैंसिल हो गया आई हैव नो दैट इज राइट बट ये ये फुल चिट चैट चल रहा है अब इसमें कई बार मास्टर टीचर्स अगर आपके डाउट्स रिजॉल्व करना भी चाहते हो तो वो खो जाता है चैट में बट यहां पे नहीं खोएगा क्योंकि यहां पे आपका क्यू एन ए पैनल अलग होता है डाउट सेक्शन अलग होता है आप डालो, उसको डाउट करके आपको आपको भेज देंगे। साथ 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 ही हर कुछ दिन पे आपके साथ होंगे share, test जो कि आपको help करेंगे प्रोग्रेस को ट्रैक करने में और हर एक के के साथ share होती है, assignments. तो इन assignments के साथ होती तो आप देख सकते हो कि आपको चैप्टर समझ आया या नहीं और नहीं आया तो अनलिमिटेड माइक्रो से माइक्रो सेशन होते हैं सेशंस, एग्जैक्टली गाइस, यानी कि जो चैप्टर समझ नहीं आया उसको दोबारा पढ़ो यार और वो क्रैश कोर्सेज भी फ्री आती हैं, यानी कि बोर्ड एग्जाम्स के पहले एक महीने पहले सिक्सटी डेज पहले लगा कुछ पढ़ाई नहीं किया है आप तो कुछ मेरिकल चाहिए तो वो मेरिकल यहां क्रैश कोर्सेस के थ्रू होता है एन की तैयारी एनएसओ की तैयारी मैथ्स और की तैयारी सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी पे क्रैश कोर्सिस के साथ होती है बिल्कुल फ्री मेकिंग लेस लेस मोर मोर प्राइस क्लासेस आपको सिर्फ जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और लिंक करना है विजिट इट इज ऑल्सो पिन इन द कॉमेंट सेक्शन और बच्चे वहां पर कोड जरूर अप्लाई करना बिकॉज एक्स्ट्रा टेन ऑफ तो आपको इस कोड के साथ ही मिलेगा मान लो दिस इज द सेशन दैट यू आर वाचिंग लेट्स से दिस इज द सेशन दैट यू आर वाचिंग डेवलपमेंट का ठीक है सो आई एम गोना जस्ट स्क्रॉल डाउन आप जब आप स्क्रॉल डाउन करते हो तो यहाँ पे आपको आता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बचे आप जब जाओगे तो देखो सब्सक्राइब तो वेदांतू प्रो इस लिंक पे सिर्फ क्लिक कर दो ठीक है ओके दे इज सम ट्रबल विद माई इंटरनेट कनेक्शन विच कीप्स ऑन हैविंग ऑल द टाइम ओके नो प्रॉब्लम इसी में आप ऑल जब स्क्रोल डाउन करोगे बच्चा यहाँ पे कॉमेंट सेक्शन आता है कॉमेंट सेक्शन में भी आपको पिंड दिख सकता है वो कॉमेंट uh, जहां पर लिंक ले सकते हो ठीक है जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे बच्चा इट विल ब्रिंग यू टू दिस पेज यहाँ देखो ग्रेट टेन सीबीएसई ऑलरेडी लिखा हुआ है इसको आप एडिट कर सकते हो आप जहां भी एडिट करना चाहो एंड देन जस्ट गेट स्टार्टेड यू हैव थ्री प्लान फॉर यू अब आपके लिए तीन प्लान अवेलेबल है ये तीन प्लान से बच्चे लाइट लासेक्वेंट प्लस के अब इन तीनों में फर्क क्या है क्या डिफरेंस है इन तीनों प्लान में बच्चों ये लाइव इंटरैक्टिव सेशन टेस्ट सीरीज एसाइनमेंट्स डाउट सॉल्विंग ये तो आपको सारे प्लान्स में मिलेंगे ये बेसिक है ये तो वेदांतु करेगा ही करेगा आपके लिए इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कोई शक मत रखना लेकिन उसके ऊपर भी एक और चीज है भाई यार क्लास के बाद अगर हमारे दिमाग में डाउट्स आ जाते हैं तो हम क्या करेंगे तो आपके पास है डाउट सॉल्विंग ऐप एग्जैक्टली देन यू हैव द डाउट सॉल्विंग ऐप जहां पे आप सेशन के बाद भी कर सकते हो अपने डाउट्स को पोस्ट विच कम्स विद द क्लासिक सब्सक्रिप्शन ओके आप डाउट्स यहां पर अपने पोस्ट करो विद इन फ्यू मिनट्स आपको थोड़े से टाइम में उसका रिप्लाई मिल जाएगा लेकिन हाँ आपके आर्ट्स डिफाइंड है बट कोई कई सारे बच्चे मेरे साथ होंगे जिनको लगता होगा कि मैम ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए हमें ह्यूमन गाइड चाहिए अंकन आम की तरह के बच्चे होंगे तो बच्चे ये बत, आपको मिलेगा विथ दिस सब्सक्रिप्शन व्हिच इज द प्लस सब्सक्रिप्शन व्हिच कम्स विथ अ डाउट सॉल्विंग एप अलोंग विथ ऑल ऑफ दीज थिंग्स एंड अ पर्सनल मेंटर एज वेल अब इसकी प्राइसिंग क्या है वो मैं आपको दिखा दूं। बच्चे देखो ये जो आप अपना प्लान चूज करते हो अगर आप ये प्लान चूज करोगे विदाउट कोड अप्लाई किए तो ये आपको थर्टी थाउजेंड में आएगा आफ्टर डिस्काउंट बट द मोमेंट यू अप्लाई कोड इट कम्स फॉर ओनली ट्वेंटी सेवन थाउजेंड फोर फोर्टी नाइन और इसका मंथली पैकेज आपको आएगा थ्री हंड्रेड एंड सॉरी थ्री थाउजेंड एंड सिक्सटी का बस अगर आप लेते हो क्लासिक सब्सक्रिप्शन तो बच्चे इसका प्लान वैसे तो थर्टी एट ट्रिपल नाइन और ये फोर्टी थ्री हंड्रेड का आता है बट आफ्टर डिस्काउंट इट्स गोना बी अवेलेबल फॉर यू ओनली फॉर थर्टी फाइव थाउजेंड नाइनटी नाइन रुपीज एंड द मंथली पैकेज गोना कॉस्ट यू ओनली थ्री थाउजेंड एट हंड्रेड सेवेंटी रुपीज एंड फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन विदाउट डिस्काउंट कम्स फॉर फिफ्टी फाइव थाउजेंड ट्रिपल नाइन बट विद डिस्काउंट गाइज इट विल कम फॉर यू नो 50,399 थाउजेंड एंड थ्री हंड्रेड नाइन नाइन एंड आपका ट्रायल पैक विल कम फॉर फाइव ओनली अब उसके साथ एक एडवांटेज और मैंने आपको बताया था कि अगर आपको देखना है गाइस रीप्ले तो आप रीप्ले कहा जाके देखोगे ऐसा आपको एक सेशन का एक आपको एक्चुअली डैशबोर्ड मिलेगा व्हेन यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड देन यू कैन जस्ट गो इन पास और वहां से आप रीप्लेस देख सकते हो साथ ही साथ आप ऐसे डाउनलोड आपका आप ऐसा आपके नोट्स भी देख सकते हो विच कम्स विद द हैंड विद्स नोट्स तो मास्टर टीचर ये दिख रहा है आपको आप इसको कर सकते हो डाउनलोड और यहाँ पे आपको दिखेंगे कंटेंट में अगर आप जाओगे शेयर टेस्ट तो यहाँ आपको आपके सैम्पल पेपर्स टेस्ट पेपर्स सब कुछ मिल जाएंगे तो ये भी सुपर अमेजिंग है तो इस मौके को बिल्कुल मत करो मिस साथ ही साथ बच, परचेज में बच्चे हम पहले कह रहे थे कि बिल्कुल लेस के पैकेट से भी पर सेशन आपका कॉस्ट आता है बट अब हम ऐसा नहीं कह रहे हैं क्यूं? क्योंकि अब आपके पास है अनलिमिटेड माइक्रो कोर्सेज यार जब कुछ अनलिमिटेड को आप डिवाइड करोगे तो बेसिकली सब कुछ फ्री तो हो गया क्रैश कोर्सेज भी बिल्कुल फ्री है तो अमेजिंग है ना अब हम बात करते हैं इस बहुत ही अमेजिंग एंड इंपॉर्टेंट प्रोमिस की वॉट इज दिस प्रोमिस बच्चों वी आर सींग फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ ऑनलाइन टीचिंग वी आर बेटिंग कि आपका जो है वेन यू कम इन विथ हस आपकी प्रोग्रेस हमारे साथ इनश्योर्ड एंड अश्योर्ड है ये हमारा वादा है आपको ये हमारा इनिशिएटिव है अगर हमारी तरफ से कोई भी कमी हुई एंड बाय द एंड ऑफ द सेशन यू फील कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विथ माय रिजल्ट्स मेरा प्रोग्रेस नहीं हुआ है तो हम आपके पूरे के पूरे पैसे करेंगे वापस क्योंकि हम बिलीव करते हैं कि आपका इम्प्रूवमेंट हो सकता है मेजर एंड इम्प्रूवमेंट होगा आपका प्रोग्रेस होगा कि मेजर भी होगा और इंप्रूव भी होगा चाहे वो आपके स्कूल एग्जाम्स में हो बोर्ड एग्जाम्स में हो या बेंच टेस्ट जो या वेदांतों में हो तो वहां हर जगह आप करोगे प्रोग्रेस और नहीं किया तो आपके पूरे पैसे होंगे वापस विथ नो क्वेश्चन आज सिर्फ दो कंडीशन है बच्चों एक तो आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपको लॉन्ग टर्म सेशन लेने होंगे वरना ये माइक्रो सेशन और क्रैश कोर्सेज में अवेलेबल नहीं है ये प्रॉमिस बट विथ आप यू नो कंडीशन विद से आर कि आपकी अटेंडेंस कम से कम सेवेंटी फाइव परसेंट होनी चाहिए इन द सेशन दैट यू अटेंडेड और आपको कम से कम सेवेंटी फाइव परसेंट ऑफ द टेस्ट असाइंड टू यू यू शुड अटेम्प्ट

उसकी स्ट्रेस नहीं है उसी के साथ साथ और दूसरी क्या मजेदार बात है पता है दूसरी मजेदार बात है आपकी वेदांत तो इंप्रूवमेंट प्रॉमिस जिससे आपका मनी बैक हो जाएगा यार यानी कि बाय एंड अगर आपको फील हो रहा है कि नहीं हो पाया वेदांत तो तुम नहीं कर पाए तो मैं वेदांत तो कहकर ले जाओ पैसे वापस ले जाओ हमें कोई दिक्कत नहीं है आप पैसे वापस ले लो ठीक है चलो इसी बात पे बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इनकम एंड अदर क्राइटेरिया की तो हमने सबसे पहले क्या बात की हमने बात की कि डेवलपमेंट के गोल्स होते हैं डिफरेंट चाहे वो इंडिविजुअल के हो चाहे वो कंट्री के हो करेक्ट तो जैसे इंडिविजुअल की इनकम के साथ साथ अलग अलग एट्रीब्यूट्स भी हम लेते हैं और वो गोल्स डिफरेंट होते हैं वैसे ही एक कंट्री के लिए भी हमें अलग अलग कैटेगरीज लेनी होगी राइट सो वी विल हैव टू कंसिडर we will have to consider different criterias तो यही अलग अलग जो हम यहां पे नेशन के लिए कंसिडर करने वाले हैं जस्ट लाइक डिफरेंट पीपल राइट ये ही हम यहां पे बात करेंगे इनकम एंड अदर क्राइटेरिया लेकिन ये ये हम कैसे डिसाइड करेंगे किसी भी स्टेट के लिए अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग कंट्रीज के लिए उनके डेवलपमेंट uh, को मेजर करने के लिए कैसे फॉर्म होता है ये हम हम डिसाइड करेंगे एक टेबल देख करेंगे, टेबल देख लो अभी इसमें और कुछ बात नहीं करेंगे हम सिर्फ टेबल देखते हैं हम देख रहे हैं कि पर कैपिटल इनकम में हरियाणा सबसे आगे है फिर केरला है फिर बिहार है लेकिन कुछ और चीजें

रेट में भी हम देख रहे हैं केरला फर्स्ट हरियाणा सेकंड बिहार थर्ड इसमें भी हमने देखा फर्स्ट सेकंड थर्ड अब हम समझते हैं इन टर्म्स को फिर हम इस टेबल को करेंगे डिस्कस इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बच्चा होता है एक तरह से आप समझ लो डेथ रेट डेथ रेट फॉर दो चिल्ड्रेन जो एक साल से पहले Uh, एक साल सर्वाइव नहीं कर पाए और एक साल से पहले उनकी मौत हो गई तो पर हंड्रेड किड्स वी टेक दैट हाउ मेनी चिल्ड्रेंस हैव डाइड बिफोर इवन फिनिशिंग वन ईयर ऑफ देयर लाइफ दैट इज काउंटेड अंडर द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट फिर आता है हमारा लिटरेसी रेट तो भाई कित कौन से बच्चों को लिटरेट होना चाहिए तो जो बच्चे सात साल और उसके ऊपर हैं ठीक है इट मेजर्स द प्रपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन यानी कि टोटल पॉपुलेशन पे हम लेते हैं ठीक है टोटल पॉपुलेशन इन दैट एज ग्रुप एंड फिर हम देखते हैं कि सात साल से प्लस वाले लोग कितने एडुकेटेड हैं और फिर हम निकालते हैं ये रेशियो कि टोटल पॉपुलेशन पे सात साल से प्लस कितने लोग एडुकेटेड है ये हमें देता है हमारा लिटरेसी रेट नेट अटेंडेंस रेशियो होता है हम क्या करेंगे एज ग्रुप लेंगे हम 14 से 15 के अराउंड ठीक है। 14 15 कि 14 से 15 साल में टोटल बच्चे कितने हैं और उसके बाद यहां देखेंगे स्कूल अटेंड करने वाले बच्चे कितने हैं और फिर इसका जब आप परसेंट निकालोगे तो ये आपको टोटल नेट अटेंडेंस रेशियो देगा यानी कि टोटल सौ अगर मान लो सौ बच्चे हैं तो सौ में से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं ऑफ दैट एज ग्रुप विल गिव अस द नेट अटेंडेंस रेशियो ये एक सर्वे के बेसिस पे हम निकालते हैं जो हमारा एनएसएसओ से इकोनॉमिक सर्वे होकर के डिफाइन होता है अब हम वापस आते हैं स्टेबल पे। इस टेबल में हमने देखा कि पर कैपिटल इनकम जो कि हम नॉर्मली वर्ल्ड uh, you know, रिपोर्ट देता है, वो पर के से बट जब हमने ये वाला देखा हमने देखा कि केरला हर जगह से फर्स्ट आ रहा है हरियाणा सेकेंड आ रहा है और बिहार थर्ड है लेकिन यहां पर तो ऐसा है अब यहां पे क्योंकि सिर्फ तीन एग्जाम्पल्स लेते तो ऐसा हुआ अगर और एग्जाम्पल्स लेते हो सकता है कई सारी और कंट्रीज और स्टेट्स निकलती जिनका पर कैपिटल इनकम तो हाई होता बट ये सारी चीजों में वो हो जाते पीछे तो बच्चे होलिस्टिक डेवलपमेंट की जब भी हम बात कर रहे हैं वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द होलिस्टिक डेवलपमेंट तो इसमें ये सारी चीजें देखना बहुत जरूरी है मतलब सोचो यहां पे हमें ये पता चल रहा है कि वो बेबीज जिन्होंने अपना फर्स्ट बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया जो फर्स्ट बर्थडे भी नहीं मना पाए एक साल तक भी नहीं जी पाए उन बच्चों के बारे में पता चल रहा है तो इससे हमें हेल्थ कंडीशन पता चल रही है इस जगह की राइट इन दोनों से हमें एडुकेशन की कंडीशन पता चल रही है मतलब सोचो नेट अटेंडेंस रेशियो के हिसाब से हमें यह पता चल रहा है कि यहां यहाँ पे ऑलमोस्ट 49% बच्चे जो स्कूल में होने चाहिए नहीं है, यहाँ पे 17% बच्चे जो स्कूल में होने चाहिए नहीं है, यहाँ पे 57% बच्चे जो स्कूल में होने चाहिए नहीं है, यानी कि मैं और आप अगर इन सारे परसेंटेज में ये 49, 17 और 57 परसेंट में होते तो हम आज जो ये पढ़े हम कभी नहीं पढ़ पाते तो हम प्रिविलेज है बच्चे मैं और आप प्रिविलेड है बट हर एक बच्चा नहीं होता है तो ये जो बच्चे प्रिविलेज नहीं है क्या हम उनको नहीं गिनेंगे जस्ट बिकॉज मान लो उनकी फैमिली का इनकम हो सकता है जमीन हो उनके पास बहुत और बहुत खेती हो बट उनके पास एडुकेशन नहीं है प्रॉपर गांव में रहने की वजह से हेल्थ कंडीशन नहीं है तो फिर क्या तो फिर क्या हम इनको अच्छे कंडीशन में गिनेंगे क्या उससे कंट्री या वो स्टेट डेवलप हो जाएगा नहीं होगा तो ये टेबल देखकर हमें ये समझ आता है कि सिर्फ इनकम से नहीं होता अगर आपको प्रॉपरली डेवलपमेंट की बात करनी है तो आपको हेल्थ एडुकेशन ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स भी कंसिडर करने होंगे साथ ही साथ अभी मैंने आपको ये बात बताई ना कि मान लो ये बच्चे गांव में उनके पास पैसे हैं उनके पास अच्छा हेल्थ भी है मान लो लेकिन इनको क्या होना चाहिए था इनको होना चाहिए था स्कूल में ये चौदह से पंद्रह साल के बच्चे हैं जिनको होना चाहिए था स्कूल में लेकिन नहीं हो पाया केरला में क्यों हो पाया क्योंकि केरला में कम्युनिटी ने और गवर्नमेंट ने एफर्ट्स लिए और फैसिलिटीज दी फैसिलिटीज दी फॉर बेटर हेल्थ फॉर बेटर education, मान लो आपको स्कूल जाना है पर आसपास आपके लोग जो हैं उनमें से किसी को स्कूल नहीं जाना है दूर दूर तक 50 किलोमीटर तक लोग कह रहे हैं हमें स्कूल चाहिए ही नहीं तो क्या स्कूल्स बनेंगे वहां पे अगर सिर्फ 10 बच्चे आने वाले होंगे तो कोई स्कूल नहीं खुलेगा बच्चा स्कूल बंद हो जाएगा चाहे वो कोई भी देने कोई भी प्राइवेट कितना ही पैसे वाला इंसान स्कूल क्यों ना खुल रहा हो वो बंद कर देगा एक टाइम के बाद ठीक है अगर वैसे ही हॉस्पिटल जाने वाला कोई नहीं होता है या प्रॉपर डॉक्टर्स नहीं होते हैं अगर आपके पास हॉस्पिटल्स नहीं है तो आप कितने ही बीमार क्यों ना पड़ जाओ आपकी कितनी जरूरत क्यों ना हो आपको नहीं मिलेगा यानी कि हमें समझ आ रहा है जस्ट बाई हैं, तो आपके लिए सारी फैसिलिटीज हो अनलेस आपकी कम्युनिटी अंटल एनल आपकी गवर्नमेंट उसको आपके लिए प्रोवाइड करे तो इससे हमें एक और चीज समझ आती है कि मनी नॉट बी नॉट बी ओनली इंडिकेटर सिर्फ पैसा इंडिकेटर नहीं हो सकता है मान लो लोगों के पास पैसे हैं पर आसपास स्कूल हेल्थ हॉस्पिटल ये सारी चीजें रोड्स कम्युनिकेशन कुछ है नहीं तो क्या वो जगह डेवलप्ड कहलाएगी बिल्कुल डेवलप्ड नहीं कहलाएगी तो मनी के नॉट अश्योर अस अ लॉड ऑफ थिंग्स विच द गवर्नमेंट द कम्युनिटी द नेचर कैन अश्योर अस अगर आपके पास बहुत पैसे हैं बट आपके पास अच्छी हवा पोल्यूशन फ्री हवा नहीं है सूंघने के लिए तो क्या आप पैसे से वो ला सकते हो नहीं ला सकते हो अगर आपके पास क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है तो क्या आप उसको ला सकते हो नहीं ला सकते हो सो विथ मनी वी के नॉट ब्रिंग इन ऑल ऑफ दीज थिंग्स अनटिल अनलेस आवर कम्युनिटी गेट्स रेडी टू मेंटेन दैट अगर बाकी के लोग पल्यूशन नहीं करने से मान नहीं मानेंगे पल्यूशन होता रहेगा और हवा पल्यूटन पल्यूटेड रहती रहेगी अगर पानी में लोग जाकर के ड्रिंकिंग वाटर को गंदा करते रहेंगे तो आप कितने भी पैसे दे दो वो पानी गंदा ही रहेगा आपको साफ पानी जल्दी नहीं मिलेगा अगर लोग आपके आसपास स्कूल जाने को रेडी नहीं होंगे तो सिर्फ आप स्कूल जाओगे बाकी लोग स्कूल नहीं जाएंगे तो ये सारी चीज़ें समझना बच्चों बहुत जरूरी है हमें ये प्रोविजन नहीं मिलेंगे तो ये प्रोविजन कैसे मिलते हैं ये प्रोविजन हमें मिलती है हमारे गवर्नमेंट देती है ठीक है तो हमें एक चीज ये समझ आता है कि एक इंडिविजुअल की जगह जब हमें

सिस्टम यानी कि गवर्नमेंट के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाने वाला सिस्टम अच्छा होता है ना वहां पे हेल्थ वहां द न्यूट्रिशन लेवल एडुकेशन सब हमेशा बेटर होता है दीज थिंग ऑलवेज बेटर कंपेयर टू दी अदर पार्ट ऑफ दीपल सोसाइटी राइट एट द सेम टाइम समटाइम्स इवन एफ वन हैज सफिशियंट मनी वी नो दैट डी के नॉट गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स अंडर एनलेस पीपल अराउंड वॉन्ट दैट तो देर आर मेनी सर्विसेज जैसे कि हेल्थ ट्रांसपोर्टेशन एडुकेशन जो हमें कलेक्टिवली चाहिए और सस्ते रेट्स पे भी चाहिए इसी के साथ एक दूसरा एस्पेक्ट फॉर बेटर डेवलपमेंट आता है बी एम आई का जो कि हमारे साइंटिस्ट ने निकाला है टू मेजर मेजर वॉट द न्यूट्रिशन लेवल ये देखना कि लोग कितने हेल्दी हैं तो बच्चा सिर्फ मोटा होना हेल्दी होना चबी होना डज नॉट डिफाइन दैट यू आर हेल्दी एक प्रॉपर रेशियो रेशियो मेंटेन्ड होना चाहिए तो इसको हम कहते हैं बी एम आई को बॉडी मास इंडेक्स आप क्या करते हो आप अपने हाइट को मीटर में मेजर करते हो ठीक है और अपने वेट को किलोग्राम में मेजर करते हो इस हाइट को आप स्क्वायर में कर देते हो मीटर में करके और अपने वेट को करते हो डिवाइड और फिर जो नंबर आता है वो होता है आपका बीएमआई ये बीएमआई अगर आपका 18 से 23 के बीच में है तो आप नॉर्मल वेट के हो अगर 18 से कम है तो आप अंडर वेट हो और उसके ऊपर जितना ज्यादा जाता जाएगा आप उतने ज्यादा ओबीज हो यानी कि ओवर हो तो बी एम से ट्वेंटी थोड़ा सा ओवर वेट से थर्टी ज्यादा ऐसे ऐसे करके ओबिसिटी होती जाती है यानी कि ओवर नहीं होना है वही आपका न्यूट्रिशन लेवल 2018 से 23 तो मेजर करके मुझे बताना कितने लोग का बीएमआई सही है ठीक है आप में से कितने लोग एक्यूरेट हो तो बच्चों इन सारी चीजों को ये सारे एग्जांपल्स को केरला और हरियाणा का एग्जांपल देख करके आ, बाकी इनकम वाली वो, वो कंट्री है और कंट्री बी का जो हमने एवरेज इनकम वाला एग्जांपल देखा था वो देख करके इन सारी चीजों को देख करके हमें क्या समझ आया हमें समझ आया कि ओनली इनकम कैन नॉट बी एंड indicator of डेवलपमेंट सिर्फ इनकम हमारा डेवलपमेंट का इंडिकेटर नहीं हो सकता है तो क्या हो सकता है लिस्ट तो एंडलेस है बट कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जैसे कि हेल्थ एडुकेशन चीजें हमें लेनी होंगी और यही सारी चीजें यू नो में लिए ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ने इन्होंने पब्लिक हेल्थ एडुकेशन पावर्टी लिटरेसी ये सारी चीजों को लिया है ये रिपोर्ट हमें मिलती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम से विच इज अ बेस्ट मेजर टू डेवलप नो टू मेजर ह्यूमन डेवलपमेंट एंड India occupies 130th rank on यू नो आउट ऑफ 189 कंट्रीज तो बच्चे ये आपका टोटल जो हमारा रैंक मिलता है ये ह्यूमन इंडेक्स सॉरी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बेसिस पे एच के बेसिस पे मिलता है ये एच डी होती है आपकी इन सारी चीजों को देख करके ठीक है पर कैपिटल लाइफ एक्सपेक्टेंसी सो एन एंड सो फोट इस चीज में बहुत सारी चेंजेस की गई हैं और अभी भी की जा रही है टू मेक इट फिट द बेस्ट एंड गिव द बेस्ट यू नो वे एंड रैंक तो तो कि कि कौन सी कंट्री कितनी डेवलप्ड है है तो आप देख सकते हो कि इंडिया वैसे तो आपका रैंक पे आता है थोड़ा ऊपर उसके नीचे म्यांमार पाकिस्तान नेपाल बांग्लादेश डिस्पाइट ऑफ बींग बिलो इन एज पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एस डी आई इनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट फिर भी हमसे ज्यादा क्यों क्यों हमसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट ज्यादा है क्योंकि उनकी वो कंडीशंस बेटर है सो वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो पर कैपिटा इनकम होना है एस इंडेक्स में हाई होने का मतलब ये नहीं है कि हर एक एस्पेक्ट में हम उनसे हाई होंगे इनकी ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ इज वे बेटर देन आस उसी के साथ एक दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है डेवलपमेंट uh, की सस्टेनेबिलिटी बच्चे अगर डेवलपमेंट कि किसी भी कंट्री में हो रही है तो हमें क्या चाहिए हमें चाहिए कि डेवलपमेंट प्रेजेंट में हो और फ्यूचर में भी सस्टेन करें ये डेवलपमेंट आगे फ्यूचर में भी रहे आज के साथ साथ आगे भी हो बट ये हो सकता है दिस मे इवन नॉट हैपन वाई तो साइंटिस्ट्स ने बहुत साफ शब्दों में अपना बहुत ज्यादा कंसर्न बताया है कि पिछले कुछ सालों में स्पेशली इन द लेटर हाफ ऑफ द ट्वेंटी सेंचुरी द डेवलपमेंट इज नॉट हैपनिंग जस्ट इन प्रेजेंट बट इट इज कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन इट कॉम्प्रो सॉरी Compromises on future. यानी कि हमने डेवलपमेंट अपने फोर फादर्स से इनहेरिट नहीं की है हम अपने बच्चों से बोरो करें हम आगे फ्यूचर जनरेशन की हक को छीन करके अपना डेवलपमेंट आज करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है बच्चा ये वो होता है जब हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को बिल्कुल एक्सप्लॉयड बर्बाद डिप्लीट किए बिना डेवलप कर रहे हैं ताकि हम आज भी सस्टेन कर सके और आगे भी सस्टेन कर सके हो क्या रहे आपको दो एक्साम्पल के थ्रू हम समझेंगे ग्राउंड वाटर इन इंडिया का एग्जाम्पल लेते हैं थ्री हंड्रेड डिस्ट्रिक्ट में ऐसा देखा गया है कि मोर देन फोर मीटर डिक्लाइन हो गया है ग्राउंड वाटर टेबल में यानी कि डिप्लीशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल हो रहा है यू नो रिसोर्सेज इन पंजाब वेस्टर्न यूपी इन हार्ड रॉक प्लाटो ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया इट इज एक्सट्रीम यानी कि इन लोगों के पास पानी जो है वो घटता जा रहा है बच्चा ग्राउंड वाटर टेबल ये ग्राउंड वाटर टेबल जो है ग्राउंड uh, वाटर ये तो रिन्यूएबल होता है इट्स अ रिन्यूएबल रिसोर्स यानी कि जब भी बारिश होगी क्रॉप्स वगैरह के साथ ये रिन्यू हो जाएगा बट एक लिमिट तक अगर आप इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयड करोगे तो ये भी रिन्यू नहीं होगा एंड दैट इज द प्रॉब्लम दैट इज स्टार्टेड हैपनिंग एट द सेम टाइम वी ऑल्सो है वी हैव अड स्टॉक ऑफ दीज थिंग्स लिमिटेड स्टॉक्स यानी कि ये जो है ये एग्जॉस्टेबल खत्म हो जाएंगे जैसे कि क्रूड ऑयल तो साइंटिस्ट ने कह दिया है कि 50 साल से ज्यादा हमारे पास चलाने के लिए अब बचा नहीं है अगर इसी रेट से हम चलते गए अगर हमने वी नॉट वी डो नॉट कीप अ चेक ऑन आवर रेट ऑफ एक्सप्लॉयटिंग दीज रिसोर्सेज 50 साल में हमारे पास कुछ भी बचेगा ही नहीं यूज करने के लिए तो विद दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड की डेवलपमेंट इज एक्चुअली डेवलपमेंट जो कि हमने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर में भी बात की है वेन इट इज सस्टेनेबल वेन इट सस्टेन्स नॉट जस्ट इन प्रेजेंट बट ऑल्सो इन फ्यूचर सो गाइज विदिश दैप्टर डेवलपमेंट का वन शॉर्ट डो नॉट वर्गेट टू चेकआउट द विदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन अब आपके पास विदांतु इंप्रूवमेंट प्रॉमिस भी है जहां पर आपको हो जाएंगे आपके पूरे पैसे वापस अगर आपको फील हुआ कि कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है साथ ही साथ वन मंथ का ट्रायल पैक भी है तो ट्राई करके देख लो यार इसको बाई करो एक महीने पूरा मजा ले लो उसके बाद आपको समझ आ जाएगा यू वो ना टिकेट फॉर द इंटायर सेशन और नॉट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है मैंने आपको दिखा दिया है सॉरी वन सेकेंड यार सो दिस इज द डिस्क्रिप्शन बॉक्स राइट right, ये चैप्टर है इसमें ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स यहाँ पे लिंक गिवन है इसमें बस आपको जाकर करना है क्लिक ठीक है और कोड लगा दोगे आप एंक प्रो इसी से आपको मिलेगा एक्स्ट्रा टेन परसेंट ऑफ ऑन द ऑलरेडी गिवन प्राइस सो विद दिस गाइस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन आई होप यू गाइस एंजॉयड टुडे सेशन इसी के साथ वीडियो को लाइक करना सब्सक्राइब करना मत भूलना uh, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर सकते सब्सक्राइब आप चैनल करोगे ताकि जब इस चैप्टर का डाउट और मेंटी सेशन आए तो आप मिस ना करो आपको नोटिफिकेशन आ जाए तो चैनल सब्सक्राइब कर लो वीडियो को लाइक कर दो इफ यू एंजॉय टुडे सेशन डो नॉट फोरगेट टू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड गाइस